बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां पर बीते दिनों श्रीकरणपुर रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव प्रकरण के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक युवक के परिजनों ने शव घर में रखकर पूर्व राज्य मंत्री पुत्र के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया है और उसके बाद परिजनों ने DYSP सुधा पालावत के नेतृत्व में पुलिस थाना अधिकारी से मुलाकात भी की है। पुलिस ने 5 दिनों में जाँच का आश्वासन दिया है। तो आपने किसी का नाम वगैरह कुछ बताया क्या? क्या नाम बताए? कोई कार्रवाई हुई इस पर? अच्छा, कल की घटना है। लड़का बेचारा रामदेवरा से आ रहा था और उसने 10 मिनट पहले अपने माँ बाप को फ़ोन किया कि अभी मेरे को तंग परेशान कर रहे हैं गाड़ी में और मेरे को खतरा है। तो इनके माँ बाप ने इनको कहा भी अगले स्टेशन पे आप गाड़ी से उतर के दूसरे डिब्बे में चले जाना, लेकिन उससे पहले ही जब इन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन घंटी बज रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था। तो इनको कुछ गलत का अंदेशा हुआ, तो जब इन्होंने दोबारा वहाँ पता किया तो उससे इनको पता लगा कि वो तो डेड हो चुका है, ट्रेन से गिर गए होंगे। अब जब ये मेन बात है भी